माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनरेबल 5 जजेस की बेंच जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो इस मामले को लेकर सुनवाई कर रही है, जिसमें अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार की तरफ से भी याचिका हमने दी हुई है। इसमें साफ तौर पे है कि हमारा भारत का संविधान जब आर्टिकल 15 की सब सेक्शन 2 कहती है कि बिना जाति रंग क्षेत्र भाषा संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी तरह के, तो इस तरह से ऐसा क्यों हो रहा है? फिर ये आरक्षण, फिर ये इस तरह की रिजर्वेशन की बात करके, फिर जातिगत आधार करके जो किया जा रहा है वो पूरी तरह से असंवैधानिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में देश का नागरिक स्वयं अपने देश में ही, भारत का संविधान होते हुए अपने देश में द्वयम दर्जे का नागरिक हो जाता है, दूसरे दर्जे का नागरिक हो जाता है, उसके साथ इस तरह से भेदभाव होता है। जब अन्य आयोग हैं, पिछड़ा आयोग है और बिहार में भी राजस्थान में भी इस तरह के आयोग बने, लेकिन वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए राजनीतिक अस्थिरता की वजह से। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि सवर्ण के साथ समानता का व्यवहार हो। आज देश में सवर्ण के साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है, उससे द्वयम दर्जे के नागरिक के रूप में समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं और फिर आगे आने वाली जनरेशन को कितनी समस्याएं प्रभावित करेंगी, ये दुखद विषय बहुत बन गया है। इसलिए ऐसी स्थिति में आज भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की और कल परसों 23, 24 और 25 को लगातार इस पर सुनवाई हो रही, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुन रही है। और इसमें जब पिछड़ा आयोग है तो सवर्ण आयोग क्यों नहीं, जब पिछड़ा छात्रावास है, पिछड़े के लिए सब चीजें हैं, मंत्रालय है, आयोग है, सब कुछ है, तो फिर सवर्ण के लिए क्यों नहीं, सवर्ण आयोग क्यों नहीं, ऐसी क्या बाध्यताएं हैं, क्या मजबूरी हैं? भारत का संविधान कहता है कि इसमें स्थिति स्पष्ट है, फिर आर्टिकल 15 की सब सेक्शन 2 का आधार क्या रह जाता है? इस विषय पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट की लगातार सुनवाई करेगी और निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम इसके आएंगे जिसमें हम लोग बहस कर रहे हैं।